हेलो फ्रेंड, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है, मैंने तीन नग कितनी अच्छी साइज़ के पकड़े हैं और इसको किस तरीके से पकड़े हैं और किस तरीके से मैंने इस टाइम पे फिशिंग करी है, वो सब देखने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसी कभी भी फिशिंग नहीं करी है जिस तरीके से मैंने ये वाली फ़िशिंग करी है। जो ये तीन समल मैंने पकड़े हैं, ये बहुत तगड़ी तरीके से पकड़े हैं और इसके अंदर मैंने आप लोगों को बारीकियां भी बताई हैं और किस तरीके से ये मेरे साथ लगे हैं और किस तरीके से और दूसरे नग छूटे हैं। क्योंकि 5 से 7 नग वहाँ पर दिखे थे और वो छूट गए हैं और ये 3 नग मैंने पकड़े हैं। क्योंकि इनकी वजह ये थी कि ये पूरे ऊपर पानी से ऊपर की तरफ उनकी टेल दिख रही थी, तो मैंने इसी तरीके से उसका शिकार करा है। और मिनिमम मैं ये बता रहा हूँ कि किनारे से सिर्फ 4 या 5 फुट की दूर में ये सारे समल घूम रहे थे और मैंने ये फिशिंग किनारे से लेकर अपने 20 या 30 फुट दूर खड़े होकर फिशिंग करी है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाहा कि मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत स्लो बोला हूँ मैं और बहुत सारी मैंने इसके अंदर जानकारी दी है और बारीकियाँ बताई है। तो आप बिल्कुल इसको गौर से सुने इस वीडियो को और इस वीडियो को बिल्कुल एक एक पॉइंट इसका नोट करें। कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको कवर कर पाओगे अगर इस वीडियो को पूरी देखोगे। तो स्किप करके आपको वीडियो को नहीं देखनी है, पॉइंट नोट करने हैं इसके और बेहतरीन तरीके से इंजॉय करिए आप वीडियो, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आएगा। वीडियो मैंने सारे समल मैंने देख देख कर मारे हैं और आप लोगों को बताया है कि देखिए ऊपर घूम रहा है, ये अब मारेगा मुँह, इसी तरीके से मैंने इसके अंदर फिशिंग करी है। तो आप पूरी नोट करिएगा वीडियो और इन्जॉय करिएगा वीडियो। अगर मेरे चैनल से अभी तक के जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त नग लग गया है हमारे पहली बार में। शाबाश शाबाश शाबाश। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त हुक हुए हैं और बहुत ही लाजवाब नग लगाए। गाड़ी ना ले आओ ना, पर फट पर रखा जाओ। ओए हाँ भाइयों, देख सकते हैं मुझे सीधा सामने एक स्नेफेड दिख रहा है और वो उसकी टेल है ना ऊपर ही नज़र आ रही है और ये मैं उसके आगे से मेंढक लेके आया हूँ और ये मारा इसने मैं मेंढक लेके आया हूँ और ये मारा इसने मुँह। देखो चमक गया वो, लेकिन इसने हेड पूरा दिख रहा था मुझे पूरा ऊपर से। हो सकता है वो एक बार में चमका हो और दोबारा मैं सतर्क होकर बैठा हो, मतलब शिकार के लिए। ओए
ये देखो वो भाग गया वहीं पे बैठ गया था वो पूरा मुझे दिख रहा था ऊपर से ही वो, लेकिन वो वहीं पे बैठा और पता नहीं कैसे चमका वापस और भग गया। चलो आगे चल के देखते हैं इंशाल्लाह कहीं और दिखता है। अरे से भाग ही गया वो, और पूरी टेल दिख रही थी उसकी पूरी ऊपर की, नेफेड की जो ऊपर की जो पंख होती है ना पूरी ऊपर ही नज़र आ रही थी। अब यहाँ पर मैं देखकर ही मारूंगा तो बेहतर है। ऊपर से इसने फिर दिख जाए। ये देख सकते हैं आप, तेरी बहन को ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मुंह पड़ा था और पता नहीं उसके मुंह में क्यों नहीं आया। वो देखो वो वहीं पे है वो मेंढक, उसके मुंह में नहीं आया और मिस होने के चांसेस मैंने रखे ही नहीं है। हुक लगाया मैं, ओ बाल साहब ये फेंकने के बाद इसने फिर भाग रहा है साला। आया वापस आया मेरे भाई। देख सकते हैं भाइयों इसने घट भाग गया है, कितना शाना होता है वो। उसने देखा कि भाई मेंढक पानी से बाहर चली गई, वो किनारे पे आके रह गया। किनारे पे आके बैठ गया हो, ये वापस पानी में आएगी। लेकिन क्या होता है कि स्नेक हेड अपनी जो ब्रेडेड लाइन होती है ना डोर को देख लेता है, और वो देखने के बाद वो एक ही काम करता है भागने का बस। ये देखिए अरे यार ये लाची ने मुंह मार दिया, ये इसको नहीं पकड़ना अपनों को, अपन को स्नेक हेड पकड़ना है। स्नेक हेड अब शायद वो मुंह नहीं मारे। मुझे दिख गया है स्नेक हेड वापस से, मुझे दिख गया है वो इधर से इधर आ रहा है वो, और वो देखो मेरे बिल्कुल जस्ट सामने है मेंढक की तैयारी में बैठा हुआ है। ये देख सकते हैं वो चल रहा है, मैं बताऊंगा देखना मेंढक कब आएगी उसके पास। ये उसके पास आ चुकी है मेंढक, और वो अब मेरे ख्याल से मुँह मारेगा। ये देखो वो देखो मुँह मार कर भाग गया है, लेकिन मुँह में नहीं लिया है। देखो कितना शाना समल है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर इनको यहीं पे होल्ड रखूँ, यानी कि छोड़ के जाऊँगा मैं, और थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे ना, उसके बाद वापस आऊँगा। देखिए ज़्यादातर स्नेक हेड यहाँ पर ऊपर ही दिख रहे हैं और मिस भी हो रहे हैं, मतलब सही तरीके से मुंह नहीं कर रहे हैं, तो होना ही है, मुश्किल है मिस होना। लेकिन मिस नहीं हो गए उसके चांस रखा ही नहीं मैंने। एक फ्रॉक के अंदर एक और पीछे हुक लगाया है मैंने, और अभी आते ही मेरे जो एक नग लगा था वो तो है, अभी यहीं पे रखा है। ये आप देख सकते हैं क्या बिग साइज का,
नग है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं जा रहा है, जबरदस्त साइज, अरे जबरदस्त साइज का नग है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आते ही पकड़ लिया था और अभी भी यही साइज़ के मुझे दो तीन नग दिखे हैं और इंशाल्लाह इस कम पानी में भी मैं देखूंगा। और यहीं से मैंने पकड़ा है एक ये वाला और इस कम पानी में भी। स्नेक हेड ज़्यादातर यहाँ पर क्या कोई आता जाता नहीं है तो ऊपर ही दिखता है, देखते हैं अब क्या होता है, क्या लगता है, बने रहिएगा मेरी वीडियो में। ओहो हो, देखिए पार्टी, मुझे है ना वहाँ पर एक स्नेक हेड दिख गया है बूंद लेता हुआ। ओए हाय हाय हाय, ओए होए, मेंढक भी बिल्कुल उसी के ऊपर गिरी है, आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखे ना, लेकिन वो वही था। ये मारा मुँह, ओफो फो फो, उसके मुंह में नहीं आई मेंढक, शाबाश। अब आप देख सकते हो स्नेक हेड की अपनी क्या गलती है, मतलब ये देख सकते हो आप, क्योंकि देखो मैंने हुक को कितना अच्छी तरीके से रख रखा है और सारे चांस मतलब मैंने मिस नहीं होने के रख रखे हैं, अब उसके बावजूद भी वो मुंह मारने के बाद मिस हो रहा है। ये देखो आप, भाई कोई ना कोई वजह होगा, या तो वो मुंह खोल के स्नेक हेड शिकार नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। आदमी फिर कहता है अरे यार हमारा मेंढक सही नहीं है, हमारा ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सारी गलतियां देखो स्नेक हेड की होती है। वो सही अगर मुंह कर देगा तो भी चांस ही नहीं है फिर कि वो मिस हो जाए, 1% भी चांस नहीं है कि मिस हो जाएगा। बहुत अच्छा साइज़ का नग है वो, बहुत अच्छी साइज़ का, तो देख सकते हैं मुझे फिर वापस से दिख गया वो स्नेक हेड, वो देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही बूंद ले ली उसने, मैं धीरे से मेंढक खिलाऊंगा इसे इंशाल्लाह। ऊपर ही तिर रहा वो, ऊपर ही तिर रहा वो, मुझे पूरी टेल दिख रही है उसकी, वो देख सकते हैं, हो रहा वो देख सकते हैं आप, ऊपर ही पूरा है, पूरी टेल दिख रही है उसकी पूरी, आपको शायद दिखे ना लेकिन आप देख सकते हैं, ओहो पूरी टेल दिख रही है उसकी पूरी टेल। ओ भाई साहब बहुत बड़े बड़े नग है, पूरी टेल दिख रही है। एक तो इधर आ गया, ये आ गया, मेंढक भाग गया उसके पीछे, ये जा रहा इधर जा रहा, आपको शायद दिखे ना लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको उसको पकड़ के ही बताऊंगा। ये जा रहा, देखो मेरे तरफ आ रहा, ये मुँह मारेगा अब यहाँ पर, ये मार दे मुँह, मेंढक मुँह में नहीं आई है, देखो उसकी मेंढक मुँह में नहीं आई है और वो बूंद ले ली उसने, हाँ आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब शिकार हो रहा है वो, शिकार क्या हो रहा है, दिख रहा है वो पूरा, अब वो है ना, अब वो शिकार के लिए बैठ गया है, सतर्क मतलब शिकार करने के लिए तैयार हो गया है, और अब वो कायदे से मुँह मारेगा अगर मारेगा तो। ओ माय गॉड, ये रहा,
यहीं पे है वो, यहीं पे है। मैं जहाँ फेंक रहा हूँ ना बिल्कुल उसी के नीचे बैठा, जस्ट नाउ। या तो उसको पकड़ेगा या फिर वो भागेगा, दो ही काम में से करेगा। बहुत छाती हो रहा, बहुत बहुत शाना। और ए दो है वो, दो पकड़ ली। देख सकते हैं आप, बहुत ही लाजवाब नाम निकाल लिया मैंने। शाबाश शाबाश। आप देख सकते हैं मैंने आपने पूरा लाइव देखा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत हमारे, देखिए नग लगा है और शायद ये देख सकते हैं हमारे एक और लग चुका है और पूरा ही वो ऊपर दिख रहा था, इसने कट पूरा ऊपर दिख रहा था। बहुत मुश्किलों से इसने मुंह करा, लेकिन जो भी करा ठीक है, पकड़ लिया। अब देखते हैं और क्या लगता है। और मुझे ऐसा लगा सामने भी है इसने क्या। मुझे बहुत उससे चलना पड़ रहा है क्योंकि किनारे पे ही इसने घेर रहे हैं और बिल्कुल कम पानी में, बिल्कुल कम पानी में, इतना कम पानी में कि उनकी टेल नज़र आ रही है ऊपर से। एक बूंद लेते हैं, मुझे वहाँ दिखाए। बहुत अच्छी जगह है जहाँ से मैं फिशिंग कर रहा हूँ। देखो कभी भी अगर अपन एक ही दिशा में अगर फ्रॉग को खींच रहे हैं, है ना, तो अगर स्नेकेड होने के बावजूद अगर मुंह मार नहीं रहा है, मतलब पकड़ नहीं रहा है मेंढक को, तो फिर आप क्या करें उसका अपोजिट करें, या फिर मतलब उसकी जो खींचने की जो इधर दिशा है वो दिशा चेंज कर दें आप। उससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी मैं इधर खींच रहा हूँ इसको, तो स्नेकहेड समझ जाता है कि भाई कुछ क्या है, इधर बार बार जा रही है ना। तो अब मैं इसको उधर से खींचूंगा, आप अब मैं वहाँ पर सामने जाऊंगा वहाँ पर, और वहाँ से यूँ खींचूंगा मैं, तो शायद उसको कुछ नया लगे। नहीं तो कोई चीज़ अगर बार बार उसको एक जैसी लगेगी ना तो वो समझ जाता है फिर। चलिए वहाँ चलते हैं अपन।
वो लिली देखो भाई, वो दिख रहा है मुझे, देखो स्नेकहेड वो दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, दो स्नेकहेड है वो दिख रहे हैं मुझे, और ये मुँह मारेंगे देखो, ये पानी में उतार दिए इसके ऊपर ही है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइक हुई है, आप देख सकते हैं स्नेकहेड मुझे ऊपर ही दिख रहा था, और ये मैंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब स्नेकहेड एक और मैंने पकड़ लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। और ये हमने ऑरेंज वाले से मारा है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको भी देखकर मारा है, यानी कि देखकर पकड़ा है, और ओफो ओफो भाग जा रहा था, देखो 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 कितनी तेज भाग रहा है, कितनी तेज इसकी स्पीड है चलने की, देखो पानी की तरफ, पानी की तरफ चलने की, देखो इसकी स्पीड, देखो इसकी स्पीड बहुत तेज स्पीड है इसकी, और इसने मुझे देखो 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 स्पीड, आप स्पीड देखो आप इसकी, पकड़ मैंने हरा है, तो आप देख सकते हैं आखिरकार इसको पकड़ लिया है मैंने, बहुत तेज स्पीड से ये वापस रिटर्न हो रहा था, और इसका हुक भी निकल गए थे, तो ये हमने पकड़ ही लिया है, और अब देखता हूँ मैं कि और कितने दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कि यहाँ पर भी है, ये रही ये रही ये रही, यहीं पे यहीं पे इस जगह पे, चलो वो देखता हूँ मैं उसको, तो आप देख सकते हैं भाइयों हमारे ये, और एक ये पकड़ना मुश्किल पड़ रहा है, सब जाने को तैयार है, और देखो 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 ये मेरे तीन नग लग चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना भयंकर तरीके से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं कितना भयंकर ये भाग रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं हमारे ये तीन नग लग चुके हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। जैसा कि आपको वीडियो पसंद आई होगा, और मैंने किस तरीके से उसके अंदर स्नेकहेड पकड़े हैं सभी को देख देख कर पकड़ा है, और किस तरीके से मैंने उसके अंदर फिशिंग करी है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ या किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बता सकते हैं कि मैं किस चीज़ के ऊपर आपके लिए अगली वीडियो बनाऊँ, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।